प्लस जीटीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली राजधानी हुआ दूषित। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण सबसे भयावह समस्या बनकर सामने आ गई है, जो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि आज उसके सामने सांस लेना भी खतरनाक हो गया। जिसके सतर्क इस समस्याओं से निपटने के लिए हर स्तर पर काम करने न करने लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन इस ओर काम करने में लगे हुए हैं, जो आज दिल्ली के पर्यावरण भवन में मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने अपनी एक ऐसे वसों का पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों से हरी झंडी दिखाया गया है, जो हवा को साफ करने का काम करेगी। दरअसल इन बसों की छतों पर हवा साफ करने के लिए फिल्टर लगाए जा रहे हैं तथा जब से ये बस रोड पर घूमती रहेगी तब तक फिल्टर होते रहेंगे और हवा गुजरेगी तब तक साफ होता रहेगा। इस प्रोजेक्ट को यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि काफी समय से प्रयासरत किया जा रहा है और काफी कम कीमतों का यह प्रोजेक्ट है। अगर ये सभी सरकारी बसों में अगर वाहनों में लगाया जाए तो काफी पर्यावरण में संतुलन स्थिति पाई जा सकती है। मेरा नाम प्राची शर्मा है। जी एक्चुअली ऐसा होता है कि हर साल हम देख रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और हम टीम ऑफ इनोवेटर्स हैं मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फरीदाबाद में, राइट। तो हम हमेशा एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इट ऑल स्टार्टेड ऑफ, ये सबसे पहले शुरू हुआ उस चीज़ से कि क्या हम कोई फैन फिल्टर लगा सकते हैं। बट जब फैन फिल्टर लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी कंजम्पशन होती है, तो उसका अल्टरनेटिव जो हमने सोचा कि जिसमें ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी ना हो और पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी ना हो, इसलिए फिर हमने ऐसे डिवाइस का सोचा जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगा दे, सो दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे अपने रास्ते पे चलती जाए हवा क्लीन होती जाए। आपने कभी देखा है जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हैं, ठीक है, विंडो से बाहर आप अपनी हाथ निकालते हैं तो आपको हवा का ब्लास्ट महसूस होता है। तो हम उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि जैसे हमने एक फिल्टर लगा दिया है और जैसी बस मूव करती है तो हवा उससे अगेंस्ट पास होती है और जैसी उसे अगेंस्ट पास होगी तो उससे प्योरिफाइड एयर निकलेगी। हवा एक्चुअली हमारे 6 फिल्टर्स लगे हैं तो काफी ज्यादा हवा उसमें से पास हो जाता है एंड इट्स लाइक कि जो 6 फिल्टर्स है दैट इज गुड इनफ फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 1 एयर प्योरीफायर इंडोर। शुरू करें। हाँ जी, साडा प्रोजेक्ट हवा नु साफ करने वाला है। हवा एक बड़ी पोल्यूट हो गई है और उस चीज नु साफ करने का कुछ भी तरीका हो एक्सेप्टेबल है। असि की किया, असि सिंपल फिल्ट्रेशन नाल हवा साफ कर रहे हैं। वो जो पार्टिकल्स होंगे 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स सपरेट हो जाते हैं। तो असी नॉर्मली सानू चाहिए है कि हवा मूवमेंट, हवा का चलना, तो हवा चलाने वास्ते जो तुम रूम एयर फिल्टर लेने तो फैन लगा देंगे तो बिजली कंज्यूम करते हैं। असी अपने फिल्टर बसा के उपर लगा देते हैं तो जो तो बसा चलदी है तो चलने के जी हवा चलती निकलती है वह फिल्टर के चली जाती है और साफ होकर बाहर निकलती है। तो इस तरह जो असि जिन्या भी हजारा बसा दिल्ली के शहर चल दी है तो वह बहुत कंट्रीब्यूट करके हवा को शुद्ध कर देती है। अभी हूं तक तो असी 30 बसा लगाया है तो बस अभी सोच रहे हैं कि असी गवर्नमेंट कही है कि जिन्या भी बसा दिल्ली के है, चाहे वह स्कूल बसेज हो, चाहे वह DTC हो, ऑरेंज चाहे बस या जो कारपोरेट बसेज हो, सारिया बसा उत्ते लगना चाहिए। मेरा नाम भूपिंदर सिंह गिल, मैं मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फरीदाबाद। अमित कुमार सिंह, बेसिकली एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि पावर कंजम्पशन नहीं करता, जो कि 6 रूम एयर फिल्टर्स के बराबर काम करता है और जो दुनिया में जो गाड़ियों को हम कहते हैं कि पावर वो पोल्यूशन करने के लिए बने हैं वही अब शहर की पोल्यूशन को साफ करेंगे। इमेजिन कीजिए, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, आपकी गाड़ी से धुआं तो निकल रहा है मगर आपकी गाड़ी उस पोल्यूशन उससे ज्यादा साफ कर रही है। एक बस जितना पोल्यूशन कर रही है उससे ज्यादा वो साफ कर रही है। हमने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम हमने रखा है पर्या यंत्र, पर्यावरण के लिए यंत्र, इसका जो संधि विच्छेद है। तो सर बेसिकली एक साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन होता है कि उसका इन्वेंशन कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हो
और भारत सरकार ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, अब हमारे पास इन्वेंशन है, हम खुद साफ हवा नहीं ले रहे, ये एक रियलिटी है। मगर जब हमें सपोर्ट मिलेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इस नंबर्स में बढ़ाएं, वो गवर्नमेंट के जरिए ही मिल सकता है, क्योंकि आउटडोर पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उसके कस्टमर गवर्नमेंट ही है, हमें गवर्नमेंट को ही पिच करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने आज हमें मोटिवेट किया है लॉन्च करके। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट।